थैंक यू सो मच। ओके, आज किस खास मकसद के से आप यहाँ दिखी हैं, हमें पहले तो वही बता दीजिए। भावन का सॉन्ग लॉन्च है एंड उसके लिए मैं आई हूँ। उसने मुझे बोला कि जल्दी आना, बट मैं नहीं आ पाई, थोड़ा लेट आई हूँ। सो आई एम हियर। ओके, इट्स अ फ्रेंडशिप एंथम, कितना पसंद करती हैं आप ये जो फ्रेंडशिप एंथम होते हैं? सेम, मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ। एक तो फ्रेंडशिप सॉन्ग है, ऊपर से इट इज़ इमोशनल, सो टू थिंग्स प्लस पॉइंट्स दैट आई लाइक। मुझे इमोशनल सॉन्ग्स बहुत पसंद है एंड आई लव फ्रेंडशिप, सो आई जस्ट लव्ड इट। ओके, आज फ्रेंडशिप एंथम जो है तो जानना चाहेंगे आपकी और भावन की दोस्ती की शुरुआत कैसे? हम बहुत आई गेस दो ढाई साल पहले मिले थे किसी के तो बर्थडे पार्टी में, एंड आई थिंक हाँ किसी के बर्थडे पार्टी में मिले थे। तो उसके बाद से हमारी फ्रेंडशिप और कंटिन्यू रही, हम पार्टीज़ में मिलते रहे। एंड देन उसके बाद हम लोग एक ही एरिया में थे, रहते थे, तो हम लोग वहाँ पे मिलना चालू किया। एंड देन हम लोग एक ट्रिप पे गए हम सब फ्रेंड्स, एंड देन बस वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप कंटिन्यू हुई। फिर हमने एक शो किया साथ में, सो या ऐसे बॉन्ड बढ़ती रही। अनएक्सपेक्टेड। रिस्पॉन्स मुझे काफ़ी अच्छा आ रहा है, बिकॉज पीपल आर वेटिंग फॉर लाइक 1.5-2 ईयर्स कि कब आएगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले अनाउंसमेंट कर रखी थी, बट आई हैड सम क्राइसिस तो नहीं हो पाए थे। सो दे आर वेरी हैप्पी नाउ एंड मेनी पीपल लव्ड इट, आई लव्ड इट टू ऑफकोर्स, सो या दे आर लविंग इट। मैं जल्दी बताऊंगी, मेरी 1 या 2 महीने में शूट स्टार्ट होने वाली है, तो जो भी शूट है वो मैं अपडेट दूंगी बहुत जल्दी, सो स्टे ट्यून्ड। दे कीप यू नो टेक्सटिंग मी, वो DM करते हैं कि हाउ आर यू सो स्ट्रॉन्ग एंड हाउ डू यू नो मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। देयर इज जस्ट वन वर्ड दैट इज इग्नोर, जस्ट बी योर सेल्फ एंड बी हैप्पी इन वॉट यू आर, गॉड मेड यू वेल एंड जस्ट बी हैप्पी विद दैट एंड इग्नोर हु एवर यू नो पोक्स यू, सो लाइक या। ओके, लास्टली बिग बॉस का आज ग्रैंड फिनाले है, तो लाइक आर यू वाचिंग एंड होम यू सपोर्टिंग? आई एम नॉट वाचिंग बिग बॉस दिस ईयर, माय मॉम इज वाचिंग एंड आई डोंट इवन नो व्हाट्स कि कौन कौन है, आई स्वेयर आई डोंट नो, सो दिस टाइम आई एम नॉट वाचिंग बिग बॉस, आई हैव नो आईडिया। बट आप ही होंगे कि इसको सपोर्ट करें इफ यू? आई डोंट अगर मैं सी आई एम अ बिग बॉस लवर, बट इस साल पता नहीं मैं क्यों देखना भूल गया कुछ, तो आई डोंट इवन वॉन्ट टू वॉच इट वंस, बिकॉज अगर मैं एक बार देखूंगी तो पहले का मिस आउट हो जाएगा एंड आई डोंट नो यार क्या है ये, मेरे को बीच में से नहीं देखना, इसलिए मैंने मम्मी से बात भी नहीं की, डिस्कस भी नहीं किया। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज अ फैन क्वेश्चन, वो चाहते हैं कि आप टेलीविजन सीरियल्स में देखें, तो एनी प्लान्स टू कम अगेन? दैट इज गोइंग टू बी यू नो, यार आप ऐसे नहीं पूछ सकते भाई, चलो हिंट है आपके पास, ठीक है, सो इन नेक्स्ट few months it will be there. Okay, thank you so much. Welcome.